नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हो रूटवेल यूरोप चैनल। तो दोस्तों अभी जो है ना एक प्रॉब्लम चल रहा है कि MI का नोट 10 फोन में अक्सर जब हम MI अकाउंट करते हैं तो फोन में जो है फास्ट बूट मोड चला आता है, ठीक है। और इसको रिमूव करने के लिए जो है बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो फोन को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको करना क्या होगा पहले ये समझ लीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है अभी फिलहाल MI का टूल लॉगिन है, स्कैन के लिए बोला जा रहा है। यानी पे यहाँ पे जो ये टूल जो है ना वो पेड टूल है, फ्री टूल नहीं है। और ये आप पहले समझ लें उसके बाद ही उससे कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत मेरे ऐसे भाई हैं जो चाहते हैं फ्री में हो जाए। तो देखिए हर एक काम जो है फ्री में तो नहीं होता है, बाकी कुछ भाइयों का हेल्प हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम सभी का फ्री में ही हो जाए, कुछ काम का पेमेंट भी लगता है। तो अगर आपको करवाना है तो पेड टूल है, पेमेंट दे करके आप करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर से पहले आप ये जान लीजिए कि MI का जो नोट 10 फोन है जो कि MI अकाउंट करते समय अगर फास्ट फूट मोड में चला जाता है, जैसे कि कई भाइयों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है और मेरे बहुत सारे भाई जो परेशान होते हैं, तो बस उन्हीं परेशानी को देखते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और कोई ऐसा मेरे भाई होगा जो कि परेशान ना हो, इसलिए ये वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पे जो है जब हम MI अकाउंट करते हैं और फास्ट फूट मोड में चला जाता है, तो उस दौरान में क्या होता है कि इधर हम देखते हैं या उधर देखते हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो अदर अदर टूल में जा कर के जो है फ़ोन को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, इस फ़ोन को जो MI अकाउंट करते समय अगर फास्ट फूट में चला जाता है तो ये MI का ऑथराइज टूल है, उससे ही होता है। और अगर आपको भी करवाना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक नंबर मिल जाएगा, उस पर जा कर के आप लोग करवा सकते हैं। और ये पेड है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। अगर फ्री के चक्कर में आप रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, हो सकता है फ़ोन आपका डेड हो जाए या हो सकता है और भी कोई एरर आ जाए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको करना क्या है, बस वीडियो के नीचे में जो नंबर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे जाना है और आपको कॉन्टैक्ट करना है, प्राइस पूछ लेना है। प्राइस समझ में आता है तो वहाँ से आप इजिली वर्क करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे कई सारे भाइयों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है, इसलिए सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम ना आए और आसानी से काम आप करवा सकते हैं। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है ना, किसी फ़ोन में अगर कुछ भी हो जाए तो कस्टमर तो जान ही ले लेता भाई, तुरंत चाहिए, यानी हल्का सा समय देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है, बस समझ ही गया है आप। और प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों MI अकाउंट रिमूव करते समय, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इमू भाई का नंबर मिल जाएगा, उस पर जा करके आप लोग संपर्क कीजिए और अनलॉक करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो थोड़ा सा है जो कि मैं ऑडियो के साथ आप लोगों के साथ उसको शेयर कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो था दोस्तों, बस यही छोटा सा वीडियो था जो कि MI अकाउंट रिमूव करते समय फास्ट फूड में चला जाता था, इसके कारण हम बनाए हैं। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें।